हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, आरडी शर्मा, एक्सरसाइज 9.2, क्लास 8। तो अलॉट चुके हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के साथ। क्वेश्चन नंबर 14 है वो ये सिंपली सॉल्व करना है और अपने रिजल्ट को करना है चेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये आपका LHS है और ये पूरा का पूरा RHS है। ना तो इसका DR कॉमन है, ना तो इसका DR कॉमन है। LCM लेते हैं दोनों तरफ। इनका LCM लोगे 7 और 8 का तो आएगा 56, और इनका LCM लोगे 2 और 4 का तो आएगा 4। आई होप आप लोगों को LCM लेना आता है, ठीक है। इसके टेबल में ये आता है 8 बारी, ठीक है। इसके टेबल में ये आता है 8 बारी में। इस 8 को ऊपर वाले से करना है मल्टीप्लाई। आप देख सकते हो मल्टीप्लाई कर दिया गाइस, ठीक है। तो इसे मिटा देते हैं, ये माइनस का साइन आ जाएगा इधर। इसके टेबल में ये आता है 7 बारी पे, 7 को कर देंगे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 माइनस का 3x। तो चलिए अब यहां पर आते हैं बच्चों। इसके टेबल में ये आता है 2 बारी पे, इस 2 को ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 6, और ये आ गया प्लस। इसके टेबल में ये आता है 1 बारी पे, 1 को करेंगे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 1x, जिसे आप एज इट इज x भी लिख सकते हैं। चलिए अब सॉल्व करते हैं जरा। ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वालों से मल्टीप्लाई होगा, 8 बनजा 8, ये माइनस इधर आ गया। 8 को 2x से करेंगे 16x। अब माइनस पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में टर्म्स को। माइनस प्लस माइनस, 7 टू जा 14, माइनस माइनस प्लस, 7 को 3x से करेंगे आएगा 21x, नीचे आ गया 56 इक्वल। ये आपस में ऐड नहीं हो सकते क्योंकि बिना वेरिएबल वाले ये हमारे अनलाइक टर्म है। एक में तो वेरिएबल है ही नहीं और एक में नंबर ही नहीं है, है ना। तो चलिए आगे करते हैं हम लोग अपना सॉल्व। लाइक टर्म्स को पकड़ते हैं, बैठते हैं बच्चे। ये हमारा पॉजिटिव 8 है और ये हमारा नेगेटिव माइनस 14। ये लाइक है, लाइक का मतलब ना तो इसमें कोई वेरिएबल है ना तो इसमें कोई वेरिएबल है। अगर मैं इन्हें सॉल्व करूंगा तो आंसर आएगा माइनस का 6। बेटा देखते हैं माइनस का 16x प्लस का 21x। ये भी बच्चों लाइक टर्म है क्योंकि इनके साथ जो वेरिएबल लगा है वो सेम है। इस पे भी x लगा हुआ है, इस पे भी x लगा हुआ है। अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो आएगा प्लस का 5x। यहां नीचे आ गया 56 इक्वल टू, ये आ गया 6 प्लस एक्स, ये आ गया 4। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम क्योंकि LHS में भी कॉमन DR है, मतलब कि एक DR है सबका। यहां पर देख सकते हो RHS में भी सबका एक ही DR है। तो अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वाले पार्ट को इससे, इस वाले पार्ट को इससे। तो कर लेते हैं मल्टीप्लाई बच्चों। ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई करके इधर देख लो, उधर देख लो, बात एक है। 56 को मल्टीप्लाई कर लिया इधर 6 प्लस एक्स से इक्वल, इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई कर दिया इधर, ठीक है। आप चाहो तो इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करके इधर और इस वाले पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करके इधर, कुछ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 56 को 6 से करेंगे, 6 6 36, 6 5 30 और 3 336, ठीक है। ये प्लस इधर आ गया, 56 को x से करेंगे 56x आ जाएगा, ठीक है, इक्वल है ये रहा इक्वल। 4 को देखो, पहले माइनस का साइन है इधर लगा, 4 6 24, फिर ये प्लस इधर आ गया, 4 को इससे करोगे 20x आ जाएगा, ठीक है। वेरिएबल वालों को एक तरफ और बिना वेरिएबल वालों को दूसरी तरफ, देखो प्लस का 56x है, ये प्लस का 20x है ना, उधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 20x, या गया माइनस का 24। ये प्लस का 336 है, उधर आके हो जाएगा माइनस का 336। चलिए सॉल्व करते हैं आगे। इनको सॉल्व करेंगे आएगा 36x इक्वल, इन्हें सॉल्व करेंगे 6 4 10, 3 4 5 और 1 6, और ये आ गया 36 माइनस, ठीक है, माइनस का 360 आ गया। 36 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड का मतलब होता है बच्चों DR पे आ जाना, मतलब कि नीचे आ जाना, और आप देख सकते हो आ गया नीचे। तो चलिए इसे देखते हैं, 36 के टेबल से दोनों कट रहे हैं 1 बारी पे और ये कट रहा है 10 बारी, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं, x आ गया आपका माइनस का 10। हमारा रिजल्ट आ गया बच्चों, अब बारी है इसको वेरीफाई करने की रिजल्ट को। तो रिजल्ट को वेरीफाई कर लेते हैं।
चेक कर लेते हैं या फिर बोल लो वेरीफाई कर लेते हैं, आप बोलो सेटिस्फाइड कर लेते हैं। मैं इसको लेकर करूंगा, इस वाली इक्वेशन इसको लेकर क्यों करूं, काफी बड़ा है ना, मैं तो इस वाले पार्ट को लूंगा। 36x is equal to माइनस का 360, 36 की जगह पर 36, जहां पर x होगा वहां पर माइनस 10 लगा दो। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले तो माइनस साइन लगा देते, इधर 36 को 10 से करेंगे 360। आप लोग देख सकते हो LHS और RHS बराबर है, मतलब मैंने अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया है, ये बराबर है, इसका मतलब मेरा आंसर जो निकला है वो एग्जैक्टली सेम है। उतार लीजिए बच्चों। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमने पूरा ग्राफ यहां पर दे रखा है आपको। बच्चों ध्यान से देखना, सबसे पहले तो ये ब्रैकेट है हमारा क्वेश्चन में ना, सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलते हैं, लेकिन जरा ध्यान से देखो, मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ यार, 7 तो इसके नीचे भी इसके भी नीचे, दोनों के नीचे 7 है ना, तो एक काम करो मैं इन दोनों को तोड़ के लिख देता हूँ ऐसे, लो मैं 7 लगा देता हूँ इसके नीचे भी और 7 लगा देता हूँ इसके नीचे, बात तो वही है ना। देखो 4 - 3/7, मैं 4/7 - का 3/7, 7 दोनों को बांट के भी लिख सकता हूँ, मैंने वही करा है, आसान हो गया मेरे लिए इसलिए मैंने यही करा है। तो चलिए अब करते हैं, पहले ब्रैकेट को खोलते हैं। ब्रैकेट को खोलने का रूल आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं एक बार फिर से, आप चाहो तो इसे भी खोल के लिख सकते हो, 9x/2 + 7/2। देखो खोल के लिख दिया, दोनों का कॉमन दिया था, इसका भी बांट दिया, इसका बेटा ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट को हटाओ और अंदर के साइन कर दो चेंज। ये प्लस का एक्स है, अब हो गया माइनस का एक्स, ठीक है, ये माइनस का एक्स अपॉन 7 है, अब हो गया प्लस का एक्स अपॉन 7, ये माइनस का 2/7 है, अब हो गया 2/7, वो भी प्लस का, आप देख सकते हो, ठीक है। आपको पता हो मैंने क्या करा है, ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन है ब्रैकेट को हटाओ, अंदर वालों के साइन कर दो चेंज, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, बना गया, हमें पता है अगर इधर कॉमन डीआर बनाना है, यहां तो अकेला यही है, इसके नीचे कुछ नहीं है बन ले लेंगे, यहां पर तो कॉमन डीआर नहीं है ना, तो कॉमन डीआर बनाते हैं। मैं अगर इस पूरे को सॉल्व करूंगा तो एलसीएम आएगा 14 और यहां पर आ गया 36, इन सब का 2, 2, 1, 7, 7, इन सब का एलसीएम लेंगे 14 आएगा, ठीक है। 2 के टेबल में 14 आता है 7 पारी में, इस वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 63x आ गया, ये प्लस है, इधर प्लस बना दो, इसके टेबल में ये आता है सेम इतनी पारी पे आता है, इस वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 7 = 49 आ गया, माइनस है इसे यहां उतार दिया, इसके टेबल में ये कितनी वाली पे आता है 14 वाली है ना, तो इस वाले पार्ट को इसके ऊपर वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे 14x हो गया, ये प्लस है, यहां प्लस लगा देते हैं, इसके टेबल में ये कितनी वाली पे आता है 2 वाली, 2 को ऊपर वाले x से करेंगे तो आएगा 2x आ गया, ठीक है, ये प्लस साइन है इसे यहां उतार लो, इसके टेबल में फिर दोबारा 14 आता है 2 बारी पे, इस 2 बारी को ऊपर वाले 2 से करेंगे तो आ जाएगा 4। चलिए आगे देखते हैं, लाइक टर्म को सॉल्व करते हैं बच्चों, पहले यहां देखिए ये और ये रहा देखा, मैं इसको भी ले सकता था लेकिन एक बारी में सिर्फ 2 को ही ले रहा हूं, ठीक है। और देख लेते हैं हमारा और कौन कौन से लाइक टर्म है, एक तो एक प्लस का 49 है और एक प्लस का 4 है। बेटा ब्लू वाले लाइक क्यों है, क्योंकि इनके पास सेम वेरिएबल है, और हमारे आप देख सकते हो रेड वाले लाइक क्यों है, क्योंकि बिना वेरिएबल वाले हैं। 63x को इससे सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं कितना आता है, 9, 5 में से 4, 49x, ठीक है 49x आ गया, प्लस के 49 को इससे करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 53 और नीचे आ गया 14। इसके अलावा एक और बचा अभी प्लस का 2x, देख सकते हो आप प्लस का 2x अभी बचा हुआ, ठीक है। मैंने इन दोनों को सॉल्व किया ये आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया ये आ गया, ये एज इट इज। अभी और सॉल्व हो रहा है इसे कर लेते हैं, देखो कौन कौन सॉल्व हो रहा है हमारे लाइक टर्म पे फोकस रखना, एक तो ये रहा और एक ये रहा, लाइक है इनके पास सेम वेरिएबल है xx, इन्हें सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 51x प्लस का 53 और यहां आ गया 40, इधर आ गया इक्वल टू 36, इसके नीचे कुछ नहीं है वन, मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम, यहां पर भी कॉमन डी आ रहे हैं, यहां पर भी कॉमन, वन अगर इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा आपका 51x प्लस का 52, लो कर दिया 1 से मल्टीप्लाई, 14 यहां पर 36 से मल्टीप्लाई हो गया,
वन को इससे करेंगे सेम ही आता है। 14 को इससे कर लेते हैं, 14 6 होता है 84, 14 3 होता है 42, 8 504 बन रहा है। देख ले एक बार, 6 4 24 6 7 8 4, 14 3 3 4 42 8 बिल्कुल सही है करेक्ट है अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो उसे करना पड़ेगा अकेला करने के लिए इसको भी भेजना है और इसको भी लेकिन पहले किसको भेजेंगे जो दूर है जो इसके साथ चिपका हुआ होता है ना वेरिएबल जो मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा होता है वेरिएबल से उसे लास्ट में भेजते हैं ये देखो हमारे वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे बाद में भेजेंगे पहले से भेजते हैं। यहां पर ये प्लस का हो जाएगा कि किसका हो जाएगा माइनस का, 4 में से 3 क्या 1, 10 में से 5 गया 5, 451। बच्चों देख लें एक बार जरा, प्लस का 53 है, हाँ देख लेते हैं, 9 4 13 51 और ये आ गया 51। तो एक बार इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा क्या होगा आंसर। ये तो कुछ लग रहा है गड़बड़, देखते हैं बच्चों ने कुछ गड़बड़ करी है शायद से, इसे मल्टीप्लाई करने में कुछ गड़बड़ कर दी है, हम देख लेते हैं एक बार। 6 4 24 84 3 4 12 42 8 504 9x/2 + 7/2। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। 51 इधर मल्टीप्लाई आ रहा होता जाके हो जाएगा डिवाइड 451/51। तो प्लीज बच्चों इसे उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं 16 तो वाला पार्ट, अब 16 वाले पार्ट को करते हैं आगे। देखो बच्चों यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट से पहले तो घबराना मत, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत आसान होता है। ब्रैकेट के बाहर वाला ब्रैकेट के अंदर वालों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं पॉइंट को भूल जाओ। ये 18 है, 18 को 5 से करते हैं आंसर कितना आता है 19 और ये आ गया x, ठीक है। मैंने इस वाले पार्ट में से पॉइंट को मैं भूल गया, देखो पॉइंट को भूल जाऊंगा, 18 तो लग रहा है, 18 को अगर 5 से करेंगे आंसर आता है 90, कितना आता है 90। अब देखो पॉइंट कितने डिजिट के बाद है, 2 डिजिट के बाद है, तो 2 डिजिट का पॉइंट लगाओ और पॉइंट से पहले कुछ नहीं था तो 0, आसान तरीका। ये माइनस है, इधर माइनस होता है। अब इस वाले पार्ट को 4 से मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट को भूल जाओ, अगर मैं इस पॉइंट को भूल गया तो ये 18 है, 18 को 4 से करेंगे तो आएगा 72, यही आएगा 72। अब ध्यान रखो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लग रहा है, 1 2 2 डिजिट के बाद लग रहा है ना, तो आप भी 2 डिजिट के बाद लगा दो, 1 2 और पॉइंट से पहले कुछ नहीं था तो 0 आ गया, सिंपल। सो एज सिंपल, वेरिएबल वालों को एक तरफ और बिना वेरिएबल वालों को एक तरफ। यहां पर ये प्लस का 0.5x है, उधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 0.5x। यहां पर ये माइनस का 0.72 है, यहां पर आके प्लस का 0.72 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब दिक्कत है सर इसे कैसे करेंगे सॉल्व, देखो ये भी x वाला, ये भी x वाला सॉल्व होगा 0.90 को 0.5 से। देखो ध्यान से इस नंबर को पहले मैं बड़ा बड़ा उतार रहा हूं, यहां पर 0.90 इस पूरे में वंस प्लेस पे कौन है बताओ बच्चों, पॉइंट से लेफ्ट वाला, पॉइंट से उल्टे हाथ वाला होता है वंस प्लेस पे, ये है वंस प्लेस, ठीक है। अब देखते हैं इसमें वंस प्लेस पे कौन है, देखो पॉइंट के लेफ्ट वाला, तो इसे उतार दिया यहां, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट और फिर 5 है, यहां बना दिया 5, यहां कुछ नहीं है 0 मान लो। अब माइनस करके देखो कितना आ गया 0.40 0.40x। अब इन्हें जोड़ना है, सेम वैसे करेंगे बच्चों जैसा मैंने करा, जोड़ के दिखाता हूं आपको इन्हें भी। 0.72 है ना, तो पहले तो इस नंबर को उतारो 0.72, इस पूरे में वंस प्लेस पे कौन है, पॉइंट के लेफ्ट वाला उल्टे हाथ वाला वंस प्लेस पे, मतलब कि ये वंस प्लेस पे, ठीक है। अब देखते हैं इसमें वंस प्लेस पे कौन है, हमारे पॉइंट के उल्टे हाथ वाला, मतलब कि ये पॉइंट के उल्टे हाथ वाला ये है ना वंस पे, वंस को वंस के नीचे रखते हैं, पॉइंट को पॉइंट के नीचे, फिर 8 है 8 लगा, यहां कुछ नहीं है तो 0, इन्हें जोड़ना है तो जोड़ो, 2 ऐसे आ गया, 8 और 7 जोड़ोगे कितना आएगा 15, 1.52 आ गया, यहां पे लिखे मैंने 1.5 जुड़ के ये आ गया। तो चलिए आगे करते हैं, आसान है बच्चों ध्यान से देखना।
मुश्किल नहीं है, इजी है। अब यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। मैं चाहता तो इसे फ्रैक्शन मिला के करवा सकता था आसान करके, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पॉइंट वाले भी तो सीखें। ये पार्ट इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। अब जरा गौर से सुनना बच्चों, देख सकते हो आप ऊपर वाले नंबर पे भी पॉइंट है और नीचे वाले नंबर पे भी पॉइंट है। ऊपर वाले में भी दो के बाद पॉइंट आ रहा है, दो डिजिट के बाद, और नीचे वाले में भी दो डिजिट के बाद। जब कभी ऐसा केस होता ना, सेम सेम डिजिट्स के बाद पॉइंट आ रहे हैं, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाता है, याद रखना ठीक है। पीछे की इधर के जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, हटाओ उसे। ये 40 और ये कितना आ रहा है 15, और आपको पता भी 4 के टेबल से कट रहा है, काटो 4 के टेबल से 10 बारी पे, 4 4 जा 4 3 जा 12 और 4 8 जा 13। अब ये कट रहे 2 के टेबल से, ये 2 के टेबल से कटता है 5 बारी पे, और ये कटता है 2 के टेबल से आपका 2 9 जा 18 और 1 19 अपॉन 4। अब एक बात बताओ, मैं चाहूं तो आंसर को ऐसे ही छोड़ सकता हूं। देखो ध्यान से बच्चों, ध्यान से सुनना, मैं चाहूं तो आंसर को ऐसे ही छोड़ सकता हूं 19 अपॉन में 5, लेकिन बच्चों उसने हमें सब पॉइंट में दिया था ना, हम आंसर भी पॉइंट में निकाल के देंगे। कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, डिवाइड करते हैं 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, डिवाइड करना आता ही होगा आप लोगों को। तो बच्चों आप लोग देख सकते हो 3.8 आ रहा है आंसर हमारा, एक्स आ गया 3.8। और अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ यहाँ पर, अभी तो हमें इस रिजल्ट को चेक भी करना है। ये जो हमारा रिजल्ट कर निकला है ना, हम इसे चेक करेंगे। तो चलिए चेक करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारा, देखते हैं सही है कि नहीं। चलिए बच्चों करते हैं चेक, चेक करेंगे हम किस पे, इस पे करते हैं, है ना। 0.40x इज इक्वल टू 1.52, 0.40 x की जगह पर लिख देंगे 3.8, वो भी ब्रैकेट 1.5। मल्टीप्लाई करते पॉइंट को, भूल जाओ। देखो ध्यान से, ये 0.40 है ना, इसे 40 मान लो, क्योंकि अगर पॉइंट को हटा दूंगा तो इस वाले जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं, 40 आ गया। अगर इस वाले पॉइंट को हटाओगे तो 38 आ गया। अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूं तो 4 8 32, 4 12 3 15 आ गया 1520। कितना आ रहा है 1520 आ रहा है, मल्टीप्लाई करके ठीक है 1520 आ रहा है। तो मैं काम करता हूं 1520 ले लेता हूं, अब ध्यान से सुनना, यहां पर कितने डिजिट के बाद लगा पॉइंट, एक डिजिट, और यहां पर कितने डिजिट के बाद लगा है, दो डिजिट, तो टोटल कितने हो गए 3, तो 3 डिजिट के बाद लगा, 1 2 3। बच्चों आपको पता है बराबर है। अब आप सोचोगे सर इसके तो लास्ट में जीरो आ रहा है, यहां तो कोई जीरो नहीं है, नहीं है तो मान लो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो इनको हटा दो, आप चाहो तो लगा दो 1.7 1.70 1.700 1.7 4 बार 0 3 बार 0 कितनी बार, बात एक ही होगी ठीक है। तो आप देख सकते हो मेरा आंसर वेरीफाई हो गया, इसका मतलब मेरा आंसर जो निकला था रिजल्ट वो एकदम सही है, उतार दीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं यहां पर हमें लेना पड़ेगा इनका एलसीएम और बनाना पड़ेगा कॉमन डीआर। अब क्या होगा एलसीएम, ध्यान से देखो 3x और 2x, देखो एलसीएम लेते हैं यहां पर ठीक है बच्चों। नीचे डीआर का एलसीएम लेते हैं ना, बड़ा आसान है 3x, 2x, ये दोनों किसके टेबल से आ रहे हैं, सबसे पहले तो x के टेबल से काट, x के टेबल से ये आता है 3 बारी पे और ये जाता है 2 बारी। अब लेते हैं 3 को, ये 3 के टेबल से 1 बारी पे, ये तो आता ही नहीं तो 2 लेते ठीक है, 2 के टेबल से कट गया। इन सब को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 को x से करेंगे आएगा 6x, ये आ गया 6x इसका एलसीएम। प्लीज इसे उतार दीजिए, आपको आना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, इसके टेबल में ये आता है 2 बारी, इस 2 को ऊपर वाले से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया ठीक है, ये माइनस साइन एज इट इज। इसके टेबल में ये आता है 3 बारी, इस 3 को करेंगे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, आ जाएगा 9, कोई दिक्कत, ये आ गया एज इट इज 1.12। आपको पता ही लाइफ टर्म में सॉल्व हो सकता है ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे माइनस का 5 अपॉन में 6x। ये लाइक क्यों है, क्योंकि इन दोनों पे कोई वेरिएबल नहीं, एक जैसे,
अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को 6x से करोगे मल्टीप्लाई सेम आएगा, माइनस के 5 को इससे करेंगे 12 5 16, और ये आ गया माइनस का, ठीक है। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, डिवाइड का मतलब होता है बच्चों डीआर पे आ रहा है। अब आपको पता है कट रहा है हमारा 6 के टेबल से, ये 1 बारी पे, ये 10 बारी पे, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, x आ गया आपका माइनस है। चलिए अब अपने रिजल्ट को करते हैं चेक, चेक हम कौन सी इक्वेशन को लेके करें, ये वाली को ले लेते हैं, 6x इज इक्वल टू माइनस का 60, जहां पर भी x होगा वहां पर माइनस का 10 बैठा दो, ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वालों से होता है मल्टीप्लाई, माइनस साइन एज इट इज, देख सकते हो आप। LHS और RHS बराबर आ गया है, मतलब कि मेरा आंसर बिल्कुल सही था, मैंने चेक कर लिया है, प्लीज उतार लीजिए। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं 18th वाला पार्ट है, RHS में अगर आप देखोगे तो कॉमन DR है, लेकिन LHS में कॉमन DR नहीं है, मुझे लेना पड़ेगा LCM। तो ले लेते हैं LCM, किस किस का लेंगे देखो यहां पर, 9 3 और 1 0, ये तीनों 3 के टेबल से कटते हैं, ये 3 बारी पे, ये 1 बारी पे, और ये 36 18 36 पर, दोबारा 3 के टेबल से काटते हैं, जितनी बार 3 के टेबल से कटेगा उतनी बार काटते हैं इसको, बार बार 4 टेबल से। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 9 3 27 27 को कर लेंगे 4 से, 27 को 4 से करेंगे आएगा 10, इनका एलसीएम आ गया। तो चलिए देखते हैं, ये एज इट इज रखेंगे इसको, चलिए इसके टेबल में ये आता है 12 बारी पे, ध्यान से देखना, इसके टेबल पे ये आता है 12 बारी पे, 12 को मैंने डिवाइड करा दिमाग में, इस वाले पार्ट को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को 448x हो गया। इसके टेबल में ये आता है 36 वाली, इस वाले को 1 से मल्टीप्लाई, पहले तो प्लस लगा, इस वाले को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम आ जाएगा, ठीक है, ये प्लस आ गया इधर। इसके टेबल में ये आता है 1 वाली सेम है ना, 1 को अगर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39, ठीक है। चलो अब लाइक टर्म्स देखते हैं कौन कौन से लाइक लग रहे हैं, एक तो ये रहा लाइक और एक ये रहा, इन दोनों पे वेरिएबल है ना, इन्हें सॉल्व कर ले कितना आ रहा है, 8 3 11 4 5 1 6, देख लेते हैं 8 और 3 11 4 5 6, ठीक है, 8x प्लस का 19 अपॉन में 18। चलिए अब कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं और निकालते हैं अपना आंसर। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये और ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, 18 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करते हैं, 61x प्लस 36, 108 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आसान है, ठीक है। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई, 18 को इससे करेंगे, 18 1 18 18 6 10 8 और 1 109, 18 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
करते हैं, करें तो आ जाएगा ये 8 और 10 अर्थात या 54, 54 से 64। ठीक है बच्चों, एक बार देख लो, एक बार फिर से ना, कहीं मुझसे गड़बड़ी ना हो गई हो। 10, 8, 18, 3, 54, 6, ठीक है बहुत बढ़िया। इसको इससे कर देते हैं 864x, 108 को 8x से करोगे ये आएगा। अब 19 की बारी, 98 जा 2 और ये आ गया 15। एक बच्चों थोड़ा सा गलती हो रही है मुझसे भी शायद से, ये आ गया 15, 152, 15 पूरा ऐसे तो बहुत बड़ा आ रहा है नंबर शायद से, एक बना बच्चों ध्यान से, 5 और 1 और 1 20, 2052 आ रहा है। कहता ना कुछ गलती हो रही है, तो ध्यान से देखना, मैं देख ही रहा था। 9, 8, 72 और सब 16 और 2, 1, 16, 6 और 1, 19 से 20 बेटा यही आ रहा है बच्चों, 52 होगा।
पहले वाला सही था। ध्यान से देखिए अब इसे करते हैं बेटा, वेरिएबल वालों को एक तरफ कर देते हैं, 1098x को इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 2052, ये इधर प्लस का, इधर आके माइनस का होगा। चलिए इन्हें करते हैं सॉल्व, चलिए देखते हैं, 8 में से 4 गया 4, 9 से 6 गया 3, 10 में से 8 गया 2, आ गया x। इसे करते हैं हमारा, और ये आ गया 4, 4 14 और 4 और 4 आ जाएगा 0, 2052 में से कर लेते हैं, दिमाग नहीं चलता बच्चों ऐसे करना पड़ेगा, 4 0 और ये आ गया 1404, 4 3 7 4 4 8 बेटा 1404 आ गया, ठीक है 1404 आ चुका है। यहाँ ये मल्टीप्लायर हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं, ये सारे के सारे तरीके डबल से आ रहे हैं, काटे तरीके डबल से, 3 4 18 3 6 18 3 8 24 3 7 21 और 3 8 24 8 7 का जा रहा है अभी भी 3 के डबल से जा रहे हैं काटते हैं 3 1 3 3 5 15 3 6 18 3 2 6 3 6 18 बेटा अब ये 2 के डबल से जा रहे हैं, 4 के डबल से भी काट सकते हो, 4 के डबल से ये आता है 7 पारी पे, ये आता है 4 4 16 4 4 16 44 अपॉन में आ रहा है 7 इज द आंसर, 4 के टेबल से काटा 7 बारी पे 4 4 4 16 और 4 4 16 बच्चों ये हमारा 26 बारी पे कट रहा था ज्यादा सी गलती थी मैंने चेक किया यहां गलती थी मेरी काटने पर अब इसे 2 के टेबल से काटते हैं 2 के टेबल से आ जाएगा वैसे 6 के टेबल से 26 के टेबल से कट रहा है। देखो दोनों के दोनों 26 के टेबल से कट रहे हैं, आप चाहो तो 26 के टेबल से काट लो, देखो 26 के टेबल में आता है 1 बारी पे और 6 बारी पे करोगे ना तो पूरा का पूरा 156 आ रहा है, 26 के पहाड़ से काटा दोनों में, ये 1 बारी पे 6 बारी पे, उस हिसाब से x आ गया हमारा 6। लेकिन अभी आंसर खत्म नहीं हुआ, अभी चेक करना है बच्चों, अभी बहुत मशक्कत बाकी है, देखते हैं क्या होता है हमारा, अब रिजल्ट को चेक करेंगे लेकिन इस वाली इक्वेशन को लेकर, 2 34 x = 1 4 3 0 4, जहां पर x होगा वहां पर 6 लगा देंगे, आप लोग देख सकते हैं 234 और यहां पर x था, यहां पर 6 आ गया, ब्रैकेट के बाहर वाला अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगा और 4 4 24 36 18 21 24 12 और 1 14, आप देख सकते हो बच्चों आ गया, LHS और RHS सेम है, मतलब हमारा आंसर सही निकला है, तो प्लीज बच्चों से उतार दें। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं 19 क्वेश्चन मैंने उतार दिया आपके सामने बोर्ड पर, तो चलिए इसे करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो हम एलसीएम कर लेते हैं, इनका डीआर ले लेते हैं, 15 आएगा एलसीएम लेकर, इसका करने की कोई जरूरत नहीं है, दोनों का कॉमन है, ब्रैकेट के बाद कोई भी नहीं है तो एज इट इज उतार दो, ठीक है। इसके टेबल में ये आता है 1 बारी पे, 1 बारी पे आता है, 1 को ऊपर वाले से करेंगे मल्टीप्लाई माइनस, इसके टेबल में ये आता है 3 बारी पे, 3 को करेंगे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, चलिए करते हैं आगे, 1 को 45 से करेंगे सेम 45 माइनस 2x आ गया, माइनस प्लस माइनस, 3 को 4x से करेंगे 12x, माइनस प्लस माइनस, 3 को 10 से करेंगे 30, नीचे आ गया 15, 15 माइनस का 14x अपॉन में 9, लाइक टर्म्स को देखते हैं और जो कट रहा है काटते हैं, ये देखो ये और ये लाइक है ना, अगर मैं इन्हें सॉल्व कर दूं तो आ जाएगा माइनस का 14x, 45 और 30 को करेंगे तो आएगा प्लस का 15 और नीचे आ गया 15, 15 माइनस का 14x अपॉन में 9। अब आपको पता है कट सकते हैं ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो काटते हैं, 9 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये रहा, ध्यान से देखना 9 होगा इससे मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा माइनस का 14x प्लस का 15 और ये रहा 9, ठीक है इक्वल, 15 को करेंगे इससे मल्टीप्लाई, ठीक है 9 को इससे करेंगे 126x आ गया, माइनस आई नहीं रहा, ठीक है प्लस की जगह रहा 9 5 9 5 45, ठीक है 15 को 15 से करोगे 225 आता है, पता होगा आप लोगों को, माइनस आ गया इधर
इसे कर लेते हैं और ये आ जाए 15 × 60 = 210। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, चलो आगे करते हैं। ये माइनस का है इधर, ये माइनस का है इधर आके प्लस का होगा। और बच्चों ये प्लस का है इधर आके माइनस का होगा। इसमें से इसको माइनस करते हैं, 10 में से 6 गया 4, 0, फिर 10 में से आपका 2 गया आएगा 8, ये आ गया 84x, 8 × 6 = 10, 11 और 1। इसमें से इसे करते हैं, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 90 आ रहा है बच्चों, देख लें एक बार जल्दी से, 5, 9 गया 12 और 1 सही हो जाओ। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके होगा डिवाइड, काटते हैं 2 के टेबल से, कट रहा है तो काट लेते हैं, 45 बारी में 2 × 2 = 4। बच्चों अब किसी के टेबल से कटता हुआ तो नहीं लग रहा हमें, देखते अगर कट रहा होगा तो किसी के टेबल से, थ्री बार ये भी आगे कटेगा 14 बारी। तो बच्चों अब इसे 3 के टेबल से काट लेते हैं, ये कटेगा 15 बारी में और ये कटेगा 14 बारी में, और अब ये नहीं कटेगा तो इसे छोड़ देंगे ऐसी। अब करेंगे अपने रिजल्ट को चेक, तो चलिए करते हैं जल्दी से चेक। ये हमारा निकला रिजल्ट x = 15/14। चेक करेंगे इस पे, यानी क्वेश्चन लेके 84x = 90, जहां पर भी x होगा वहां पर लगा देंगे 15/14 = 90। देख लेते हैं 6 के टेबल से कट रहा है, ये दोनों के दोनों 14 के टेबल से कट रहे हैं, ये 1 बारी पे 6 बारी, ठीक है, नीचे वन की कोई वैल्यू नहीं, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 90 आएगा। और आप देख सकते हो हमारा रिजल्ट चेक हो गया, इसका मतलब हमारा रिजल्ट सही है, आप उतार लीजिए इसे। तो बच्चों आप लोगों ने 19 क्वेश्चन तक उतार लिया होगा, आप करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी नेक्स्ट डे पे। तो बच्चों तब तक अगर आपको डीमैस की वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।